अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सविया सब्जवारी। इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी आलम खान रोड पे फिश मार्केट में। फिश के हवाले से आइए चल के हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहतिशाम उल हक। एहतिशाम साहब, ये बताइए आपके पास इतने सारी मछलियाँ हैं, इनकी कितनी नस्लें हैं? इनकी कम से कम कोई 8-10 नस्लें पड़ी हुई मेरे पास, बाकी और भी नस्लें होती हैं, वो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है जिसमें हम रख सकें। ठीक है, तो बाकी जितने नस्लें पड़ी हैं ये आपको बता देते हैं। तो ये बताएं, ये एक मछली आपको कितने अरसे तक आप स्क्योर कर सकते हैं, उसको सेफ रख सकते हैं? ये फीड पे डिपेंड करता है, अपनी केयर पे डिपेंड करता है। आप इसको साल भी चला सकते हैं, 10 साल भी चलती है, जितनी आप केयर करेंगे उस हिसाब से आपकी मछली बेहतर रहेगी और अच्छी रहेगी। ये बताएं आपके पास इस वक्त कितनी मछलियाँ मौजूद हैं? इस वक्त तो तकरीबन कोई कम से कम भी हुई तो 200 से 250 पीस होगा। ये मुख्तलिफ नस्ल की मछली है? मुख्तलिफ नस्ल की है, 200-250 पीस, 300 पीस होगा। ये मछली कितने अरसे में एक खाने के काबिल हो जाती है? ये सारी डेकोरेशन के लिए है? ये सारी डेकोरेशन की है। इनके रेट्स क्या हैं? रेट्स मुख्तलिफ हैं, कोई 250 का पेयर है, कोई 100 का है, 150 का है, 300 है, 350 है, 450 है, 600 है, 800 है, 1000 का है, 1200 का, 1500 का, डिफरेंट है। इस मछली के बारे में बताइए, ये जो हमें नज़र आ रही है इस वक्त, ये सिंगल टेल है, ये थाई की मछली है, थाईलैंड की। और इसकी प्राइस क्या है? प्राइस ये 500 का पेयर है। अच्छा, आप बता सकते हैं कोई ऐसी मछली जो इस वक्त जिसकी नस्ल नायाब हो रही हो? ये कोय फिश है, वो जो पीछे पड़ी है ना येलो में, वो कोय है, वो है। इसमें नीचे वाइट में पड़ी है, ये भी कोय है, ये नायाब है ज़्यादा। ये इनकी नस्ल भी ज़्यादा है और चलती भी अच्छी हैं, लाइफ भी अच्छी है इनकी और बेस्ट भी हैं। जो अभी मछली हमें नज़र आ रही है, ये वाइट कलर की नज़र आ रही है हमें इस वक्त, ये गोल्डन कलर की भी नज़र आ रही है, इस मछली का नाम बताइए। ये एक वाइट कोई है, एक येलो कोई है, ये बाहर की है, पाकिस्तानी नहीं है, थाईलैंड की मछली है सारी। ये आप मछली बता रहे हैं कोई फिश है जो, इसके हवाले से बताइए इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये कितना अर्सा ज़िंदा रहती है, इसको ठंडा पानी चाहिए या गर्म पानी चाहिए, क्या ख़ास बात है इसकी? ये है भी एक तो सख जाना है और ऊपर से ठंडे पानी की है, ये आपको इसमें गर्म पानी की ज़रूरत नहीं, हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आम सर्दियों में भी गर्मियों में भी आम ठंडे पानी में चलती है, जो आम घर में इस्तेमाल होने वाला पानी होता है। अच्छा, ये बताइए इस वक्त ये जो एक्वेरियम है हमें नज़र आ रहा है, इसका सेटअप कैसे लगाते हैं? ये आम अगर आदमी जो घर में लगाना चाहे उसको, वो कैसे लगा सकता है? ये डिफरेंट है, साइज़ के हिसाब से होता है, 1.5 फुट है, 2 फुट है, 2.5 फुट है, 3 फुट है, साइज़ के हिसाब से होता है। जो आप 1.5 फुट वाला लेंगे वो आपको अवेलेबल है 4000 रुपये का, ठीक है, 2 फुट का जो है वो 5000 रुपये का, उसके बाद 2.5 फुट का वो 6500 का, जो 3 फुट है वो 8000 रुपये का अवेलेबल है, मुकम्मल मोटर, लाइट, फिल्टर, डेकोरेशन सब कुछ ओके। अच्छा, ये बताइए जो नीचे हमें नज़र आ रही है इसको क्या कहते हैं, और ये भी किसी ख़ास तरह से लिए जाते हैं ये ऐसे ही मिल जाते हैं आराम से? ये आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, ये एक्वेरियम में जो है ना डेकोरेशन के लिए होते हैं, बाकी इनकी कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, ना मछली के लिए ना कुछ, ऐसे भी डेकोरेशन के लिए होती हैं। यानी अगर ये एक्वेरियम में ना भी हों तो मछलियों का कोई मसला नहीं होता? ये एक्वेरियम में ना भी हों तो इससे कोई मसला नहीं होता मछली को। कितने अरसे के बाद आप इनका पानी चेंज करते हैं? पानी तकरीबन 15 से 20 दिन बाद मादा पानी निकालते हैं, आधा और डाल देते हैं। तो इनको रखने के लिए किस तरह की ख़ास किस्म की कोई एहतियात होती है जो करनी पड़ती है? आमतौर पर जो देखने वाले होते हैं उनको नहीं पता होता कि मछली कैसे उसको रखा जाता है, तो उसके वाले से आप थोड़ा कुछ बताइए। वो ये फ्रेम होता है एक्वेरियम का बना हुआ, अगर आप बाउल में रखते हैं, बाउल में आपको डेली पानी चेंज करना पड़ता है। एक्वेरियम अगर रखेंगे उसमें आपकी पंप फिल्टर लगा होता है सब कुछ, उससे ये है कि आपका 20-25 दिन पानी चल जाता है। अगर आप वो नहीं लेते, बाउल में रखते हैं, बाउल में आपको डेली पानी चेंज करना पड़ता है, अगर आप पानी चेंज नहीं करते तो उससे मछली आपकी मरेगी, ठीक है। पंप से यह है कि ऑक्सीजन मिलती है, मछली आपकी सेट रहती है, ठीक है। बाकी आपके सामने ये देख लें, एक्वेरियम में पानी पड़ा हुआ है, पंप चल रहा है, इससे आपका तकरीबन 20-25 दिन पानी भी चलता है और मछली भी आपकी सेट रहती है। कोई ऐसी मछली जो गर्म पानी में रहती हो? गर्म पानी वाली ये छोटी है, ट्रॉपिकल, ये गर्म पानी में रहती है, ठंडे पानी में नहीं रहती सर्दियों में, बाकी गर्मियों में चल जाती हैं ये गर्म ठंडे जिस तरह भी होगा। अच्छा, ये बताएं जो सबसे आपको डिफरेंट मछली लगती है जो आमतौर पर हमें नहीं देखने को मिलती, वो कौन सी मछली है? जैसे कि ये नज़र भी आ रही है, तो इस मछली का नाम क्या है? वो गोल्ड फिश है, इसमें ये जो ब्लैक वाली है ब्लैक मोर है, उसके बाद सिंगल टेल पड़ी है, कोई पड़ी है, ये वाइट कोई है। इस मछली के बारे में हमें फिर बताइए। ये पाकिस्तानी है मछली, ये 100 रुपये का पेयर है, ठीक है, ये ज़्यादा सख्त जान होती हैं, मछली बेहतर है। अगर कोई बच्चा ज़िद करता है, कोई घर वाले आके कहते हैं हमें
सस्ती वाली मछली दिखाओ तो वो हम ये जो ना दे देते हैं। उससे ये होता है कि महंगी वाली मछली लेने से बेहतर है कि आप ये ले लें बाल्टी टब वगैरह में, बोतल वगैरह में, किसी भी चीज़ में आप डालेंगे ये आपकी उसमें चल सकती है। और बाकी जो मछलियाँ होती हैं उनके लिए ख़ास किस्म का एहतमाम करना ज़रूरी होती है अगर आपने मछलियाँ घर में पालनी है तो? बिल्कुल, वो लाजमी करना पड़ता है, वो नहीं करेंगे तो उसकी केयर फिर ज़्यादा हो जाती है। अगर आप एक्वेरियम में रखते हैं तो वो एक्वेरियम आपको लेना पड़ेगा, पंप होता है उसके साथ, सब कुछ वो आपको करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं करते तो ये लोकर रखते हैं तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पर फीड आपने डेली डालनी है और पानी आधा निकाल के आधा और डाल देना, चेंज कर देना बस, बाकी कुछ भी नहीं होता। ये मछली सख्त जान है, इसकी लाइफ अच्छी है। अच्छा, ये जो डेकोरेटेड डिशेज आप बता रहे हैं इनको कोई ख़ास किस्म की बीमारियाँ भी होती हैं या इनको कोई बीमारी नहीं लग सकती? नहीं नहीं, बीमारी लग जाती है कई दफ़ा जो है ना, ठंड में इनको वाइट स्पॉट हो जाता है, फंगस हो जाती है, उसके लिए फिर मेडिसिन डालनी पड़ती है। ये फ़िश केयर वाली मेडिसिन होती है, ये आप डालेंगे तो इससे मछली आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जब नया पानी डालते हैं वैसे तो 3 मेडिसिन होती हैं, वो आपको डालनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं डालते जब आपकी मछली बीमार हो जाती है तो ये आपने लाजमी डालनी है। इससे ये है कि आपकी मछली बेस्ट रहेगी, ठीक हो जाएगी, 2-4 दिन हफ्ता लगेगा उसमें जो नया सेट हो जाए। पानी में डालनी होती है, कुछ कतरे डालने होते हैं एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से, अगर आपका फुट का है 1.5 फुट का फिर उस हिसाब से जो है ना आपको बताएंगे कि इतने इतने कतरे आपने डालने हैं। अगर आपका ये साइज़ एक्वेरियम है कम अज़ कम 20 कतरे आपने इसके डालने हैं, ठीक है। 20 कतरे आप डालेंगी ना डेली, आपने तकरीबन एक दिन में एक दफ़ा 20-20 कतरे आपने डालने, 3 दिन आप डालेंगे आपकी मछली सेट होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई मछली बीमार होती है या उसको, तो आपको अंदाज़ा कैसे होता है कि ये मछली है, क्योंकि मूवमेंट तो सबकी एक जैसी है? नहीं, मछली आपकी नीचे जो है ना बैठ जाएगी एक जगह, स्टिल बैठ जाएगी और ऊपर उसके वाइट स्पॉट हो जाएगा या पार उसका कटना शुरू हो जाएगा खुद ही, उससे आपको पता चल जाता है मछली एक्टिव नहीं रहती। कि इनको फीड आप किस तरह की डालते हैं, किस तरह की फीड होती है, ख़ास किस्म की होती है? ये आपकी मिक्स कलर में, ये सब्ज़ी की बनी होती है, ये गोश्त की है, बड़ी मछलियों के लिए होती है। जो फुट से बड़ा पीस है ना वो ये मछली फीड खाती है, ठीक है। अगर उससे छोटी हैं, ये जो छोटा साइज़ आपको मैंने दिखाया था वो ये मछली खाती है, ठीक है, ये वाली फीड खाती हैं आपकी छोटी वाली। आप इनको डेली ये फीड जो है डालते हैं, इसमें आपसे कितनी मकदार डालते हैं? ये भी एक्वेरियम के हिसाब से होती है? नहीं ये मछलियों के हिसाब से होती है, एक मछली के लिए 3-4 दाने साइज़ के हिसाब से होती है। अगर आप बड़ी मछलियाँ हैं, ज़्यादा मछलियाँ हैं, तो आप चुटकी के हिसाब से 3-4 चुटकियाँ डाल दें आप कठी मछलियों को, तो वो आपकी खा लेंगे। और कोशिश ये करनी है कि पंप आपने एक्वेरियम का बंद कर देना 10-15 मिनट के लिए, जब मछली आराम से फीड खा लेगी उसके बाद आपने पंप ऑन कर देना, ताकि वो ईज़िली अपनी ये फीड जो है वो ले सके। उससे ये होता है कि फीड अगर आपकी बच जाती है पानी में, वो आपका पंप चलता रहेगा, वो पानी में हल हो जाएगी, पानी आपका जल्दी ख़राब करेगी, ठीक है। अगर आप फीड निकाल देते हैं, 10-15 मिनट पड़ी रहती है, मछली ने खा ली है, उसके बाद आप फीड निकाल दें मछली। इसकी प्राइस क्या है? ये केजी के हिसाब से है, ये 700 रुपये किलो है। इसमें अगर 100 ग्राम का पैकेट लेना है आपने, वो 100 रुपये का आपको पैकेट अवेलेबल है, ठीक है। ये वाली मोटा दाना जो है ये 800 रुपये किलो है, ये बड़ी मछलियों के लिए होता है, फुट से बड़ी हो जाए, 8-9 इंच का पीस हो, ये वो मछली खाती है। तो ये आराम से पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर आपसे कोई रابطہ करना चाहे तो उसके लिए आप अपना नंबर बता दें। 03-11-57-49-077 अब्दुलरहमान नाम है, फिश के दुकान के ऑनर हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे, ठीक है। मछली के बारे में पूछना है, फीड के बारे में, मेडिसिन के बारे में, एक्वेरियम की मालूमात, जिस चीज़ की मालूमात आपने लेनी है फिश के वाले से वो आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।